माननीय गुरुजी ने अभी एक चीज टोका कि खष्टम ना होकर के ये खष्ट होगा तो मैं उसको अक्षरशा पालन करते हुए मैं विश्वविद्यालय के खष्ट दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य संस्थापक श्री रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय चित्रकूट उत्तर प्रदेश को दीक्षांत भाषण हेतु आमंत्रित करता हूँ। जगत गुरु रामभद्राचार्य को प्रकाशं मोक्षुर्भैश्चरमहं प्रपद्ये रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदाय मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे श्री गुरु परंपरां। शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय के षष्ठ दीक्षांत महोत्सव की अध्यक्षता का निर्वहन करने वाली हमारी बड़ी बहन उत्तर प्रदेश की यशस्विनी राज्यपाल महोदया श्रीमती आनंदीबेन पटेल इमने हूँ घना वर्षो चोर खूचो आशा गुजराती बोलिया मैं हिंदी बोलू चार वाक्य गुजराती में इमनो इतिहास त्यारे मुखरित थे हो अरे जारे आध्यात्मिका हता संभवता एक बार नर्मदा यात्रा गया था क्या नर्मदा जी का प्रवाह छोकर बहवा लग गया तो आनंदीबेन पटेल कूदी पड़ा त्या पोतानी चौधरी द्वारा लगभग 15 छात्रों ने मृत्यु की मृत्यु न मुख माधिकारी ने बाहर करा क्या इम अदम साहस जोई भारत ना वर्तमान प्रधानमंत्री तत्कालीन गुजरात ना मुख्यमंत्री नए नरेंद्र भाई मोदी गुलामी ने इन्हें मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल में शामिल कराया आज इन्हें मोटी उपलब्धि छे। अरे उत्तर प्रदेश में आज राज्यपाल छे मने इन्हें जोई अत्यंत प्रसन्नता थई रही छे। हवे हिंदी आप जानते ही हैं कि मैं भारत की सभी भाषाओं में बोलता हूं साधिकार सभी भाषाओं में केवल एक भाषा नहीं जानता वो मैंने शपथ पत्र में भी लिखा था हाई कोर्ट के कुछ उर्दू नहीं आती और सभी भाषाएं आती अंग्रेजी भी आती है फ्रेंच भी आती है। मैंने आपके राज्यपाल के बारे में बताया हिंदी जिसे आप समझ जाए एक बार नर्मदा यात्रा में गई हुई थी उसमें संयोग से नर्मदा जी के प्रवाह में बहुत से लड़के बहने लगे तो आनंदीबेन पटेल कूद पड़ी नर्मदा में अपनी चुनरी को अपनी उड़ने वाली चुनरी को उन्होंने माध्यम बनाया और 15 लड़कों को मौत के मुख से बचाया। उसी समय मेरे बड़े अच्छे मित्र भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री और तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री
नरेंद्र भाई मोदी ने इनको अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया और उन्होंने फोन पर मुझे स्वयं ये बात बताई। अब तक ये मुझे नहीं जानते पर इनको मैं जानता हूं। अब मैं दीक्षांत भाषण प्रारंभ करूं। और अब से मेरा वक्तव्य रिकॉर्डेड होगा, ध्वनिबद्ध होगा। ये तो मैंने इनकी बात बताई, इनका मेरा कितना पुराना परिचय है। शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय के षष्ठ दीक्षांत समारोह में उपाधि प्राप्त करने वाले सभी स्नातक और परास्नातक छात्राओं और छात्रों को मैं अत्यंत स्नेह से वर्धापित करता हूं और इनके स्वर्णिम भविष्य के लिए भगवान सीताभिराम श्री राम से प्रार्थना करता हूं। चूंकि मैं शिक्षाविद हूं, प्रशंसा नहीं कर रहा, आप जान तो जाइए कि दिव्यांग क्या कर सकता है। मैंने अपने जीवन में राज्यपाल महोदया 99% से नीचे कभी मार्क्स देखे ही नहीं मैंने, और 9-9 स्वर्ण पदक जीताए बनी, परंतु राष्ट्र सेवा करने के लिए जीआरएफ होने पर भी, पीएचडी होने पर भी मैं यूनिवर्सिटी के चार दीवारी में नहीं बना, नियुक्ति पत्र फाड़ कर फेंक दिया जबकि मुझे हेड बनाया जा रहा था। मित्रों, इस विश्वविद्यालय के यशस्वी कुलपति राणा कृष्ण सिंह जी अब मेरा वाक्य बहुत लाक्षणिक होगा। अब डॉक्टर शकुंतला मिश्र राष्ट्रीय पुनर्विश्वविद्यालय का मध्यरात्रि पर्व चला गया, अब प्रातःकाल आ गया है। भले इनका नाम कृष्ण है पर कृष्ण पक्ष भी बहुत मंगलमय पक्ष होता है, और मैं ये मानता हूं कि कृष्ण की भांति ही इस विश्वविद्यालय को कर्मण्येवाधिकारस्ते के सूत्र से अवगत कराते रहेंगे। मेरी आकांक्षा है, मैं इस विश्वविद्यालय की कुल सचिव अमित सिंह जी को भी बहुत बहुत आशीर्वाद से समभ्यर्थित करता हूं। अब ये इस विश्वविद्यालय में अमित ओजस्विता भरते रहेंगे। अब यह शकुंतला विश्वविद्यालय मेरा अपना हो चुका, अब तक यहां तो कुछ और लोग मेरा नहीं मानते थे इसको, कुछ कारण उनका रहा होगा, वो जाने दे जानन तू, अब ये विश्वविद्यालय मेरा है। और जगतगुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय आपका है, राज्यपाल महोदय आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि मैंने 2001 में ही जगतगुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना की, किसी से कोई सहायता नहीं ली, 19 वर्षों से चला रहा हुआ विश्वविद्यालय और केवल दिव्यांगों के लिए है, केवल विकलांगों का कोई सम्मान नहीं। मेरा सूत्र उद्घोषिका महोदया पढ़ रही थी, वो मेरी बेटी है, मानवता ही मेरा मंदिर, मैं हूं उसका एक पुजारी, है विकलांग महेश्वर मेरे, मैं हूं उनका कृपा भिखारी।
मैं तब तक विश्राम नहीं लूंगा जब तक भारत का प्रत्येक दिव्यांग अपने पांव पर खड़ा नहीं हो जाता। क्योंकि मेरा जन्म मकर संक्रांति को हुआ, अतः मेरे स्वभाव में क्रांति। मैं वृद्धों का वह नारा नहीं स्वीकारता, ओम शांति शांति शांति, बंद करो इस नारे को, अब तो ओम क्रांति क्रांति। आज दीक्षांत शब्द में भी मेरा एक क्रांतिकारी व्याख्यान होगा। बालिकाओं और बालकों, लोग भाइयों कहते बहनों को छोड़ते, मैंने पहले पहले बहनों को बोलो, अनिल बाबू पहले बहनों को बोलो। बालिकाओं और बालकों, दीक्षांत शब्द का क्या होता है, गंभीरता सुनना। क्या हम आज अपनी दीक्षा का अंत करने आए हैं? मेरा लिखित भाषण पढ़ लेना। क्या आज हमारी दीक्षा समाप्त हो रही है? यदि नहीं तो किस उद्देश्य से दीक्षांत शब्द का प्रयोग किया गया होगा? इस पर मेरा एक निवेदन है, संस्कृत साहित्य में अंत शब्द के 5 अर्थ कहे जाते हैं। अंत स्वरूपे निकटे क्रांति निश्चय नाशय हो। अंत का अर्थ होता है स्वरूप, अंत का अर्थ होता है निकट, अंत का अर्थ होता है प्रांत सीमावर्ती, अंत का अर्थ होता है निश्चय और अंत का अर्थ होता है नाश। तो यहां हम अंत शब्द का सिद्धांत अर्थ स्वीकार रहे हैं। आज आपको दीक्षा का सिद्धांत बताने के लिए मैं पद्म विभूषण जगद्गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय का जीवन पर्यंत कुलाधिपति, आज यहां 2 कुलाधिपति उपस्थित हैं, श्रीमती आनंदीबेन पटेल और मैं स्वयं पद्म विभूषण जगद्गुरु रामानंदाचार्य स्वामी। यहां आज हम आपको दीक्षा का सिद्धांत समझाने आए हैं, दीक्षा का अंत समझाने नहीं आए हैं। बालिका और बालकों, दीक्ष धातु, जैसा मैंने बताया, अब तक आपको जानकर बहुत अच्छा लगेगा, बालिका और बालकों को दिव्यांगता अभिशाप नहीं, यह प्रसाद है। अनिल जी, अब तक मैंने बंद आंखों की स्थिति में भी 210 पुस्तकें लिखी अब तक, और विश्वविद्यालय चलाया केवल दिव्यांगों का। प्रत्येक विद्यार्थी को निःशुल्क भोजन, निःशुल्क शिक्षण और निःशुल्क निवास दिया। और मेरे विश्वविद्यालय में देखिएगा, प्रत्येक बालिका बालक को आप मुस्कुराते हुए देखेंगे, कोई बोझा नहीं, नो टेंशन। वहां सबके जीवन में अटेंशन है, क्योंकि सबका मेरे उद्देश्य से इंटेंशन भी है और सबका मुझसे इंटरनल रिलेशन भी है। मैं ये कहने जा रहा हूं, उसी सिद्धांत से पाणिनीय धातु के, यह यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय, यहां कुछ शैक्षिक बात करना मेरे लिए कर्तव्य होगा और शिक्षाविदों को अच्छा भी लगना चाहिए। आपको जानकर एक और हर्ष होगा, 1952 से यहां बीएड एमएड चलाया जा रहा है भारत में, और आज तक एक भी भारतीय शिक्षा पर स्वतंत्र पुस्तक नहीं है।
उन लोगों का शिक्षा में नाम लिया जाता है जो कभी प्रथम श्रेणी का मुख देखे नहीं, तृतीय श्रेणी में पास हुए, उनके डिवीजन को गांधी डिवीजन कहा जाता है। पूरा मतलब शिक्षा क्या है? मैंने भारतीय शिक्षा पर पुस्तक लिखी, अभी मोदी जी उसका लोकार्पण करेंगे, 14 अध्याय के हो चुके, 4 अभी अवशेष है। क्या है शिक्षा? किसे शिक्षा कहते हैं बताइए? पाणिनि कहते हैं शिक्षा विद्योपादानी, जहां विद्या का उपादान के रूप में प्रयोग होता है, जहां विद्या का दूसरों के उपकार के लिए प्रयोग होता है, उस पद्धति का नाम शिक्षा है। क्या है शिक्षा? कात्यायन ने कहा शिक्षित जिज्ञासायाम। आप बोलेंगे तो मैं बंद कर दूंगा अपना वक्तव्य, तो बहुत महत्वपूर्ण वक्तव्य है। नो, आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू बी साइलेंट, आइदर आई विल थ्रो दिस माइक। शिक्षा विद्योपादानी, जहां विद्या दूसरों का उपादान बनती है, अपने परिवार, अपने बेटी बेटी बेटों, अपनी पत्नी का पालन करना ही शिक्षक का धर्म नहीं है। यह काम तो अशिक्षित सुअर कूकर भी कर लेते हैं। शिक्षक का धर्म है अपनी विद्या का राष्ट्र के लिए उपयोग करना। इदम राष्ट्राय नमः। आज ही हमारे बहुत स्नेहभाजन आयुष्मान राणा सिंह, राणा कृष्ण सिंह जी उपदेश दे रहे थे, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, क्या है, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, एक देवता मैं और जोड़ रहा हूं, मीडिया कर्मियों एक देवता मैं और जोड़ रहा हूं, पांचवा मेरा अनुशासन है राष्ट्र देवो भव, अपने राष्ट्र को देवता मानो। आज ही प्रातः मेरे अनुज और वर्तमान के उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री आयुष्मान योगी आदित्यनाथ से मेरी दूरभाष पर बात हो रही थी, वार्तालाप हो रहा था। उन्होंने कहा जगत गुरु जी, आप दीक्षांत भाषण करने जा रहे हैं तो आपकी उपस्थिति में मेरी उपस्थिति नहीं थी, मैं राम जन्मभूमि के आने वाले फैसले के कारण भिन्न भिन्न व्यवस्थाओं में व्यस्त हूं, मैं ठीक कहने जा रहा हूं। क्या है राम? क्या राम कोई सांप्रदायिक वस्तु है? क्या राम कोई सांप्रदायिक है? शून्य कान खोल कर गिरे तो ना है। जिनको शिक्षा का ABCD भी नहीं आता, पत्रकारों के महिमा से भिन्न भिन्न पद पर आसीन हो जाते हैं, क्या जाने शिक्षा की गरिमा। राष्ट्र आनंदीबेन जी, राष्ट्र है राष्ट्र, और मां का अर्थ है मंगल, जिससे राष्ट्र का मंगल होता है उसे राम कहते हैं। राम इस राष्ट्र के मंगल है। जब शिक्षा पूर्ण हो जाती है तब स्नातक और परास्नातक को हम किसी कार्य के लिए दीक्षित करते हैं। यहां दीक्षा का समय नहीं होता राणा जी, यहां दीक्षा का समापन नहीं होता, यहीं से दीक्षा का प्रारंभ होता है। तो आप प्रश्न करिए कि जगत गुरु जी दीक्षा का अर्थ क्या होता है? पाणिनि धातु पाठ,
नोट करते जाए, फिर देख लीजिएगा। पाणिनी धातु पाद धातु संख्या 609 में आचार्य पाणिनि कहते हैं, दीक्ष मुंडोपन मुंडोपनयनी ज्या नियम प्रतादेशीषु। दीक्ष धातु के 6 अर्थ कहे जाते हैं, मुंडन उपनयन इज्जा माने यज्ञ नियम व्रत और आदेश। इनमें से मैं 2 नहीं ले रहा हूं, मुंडन भी नहीं उपनयन भी नहीं। तृतीय अर्थ से मैं अपना व्याख्यान प्रारंभ करूंगा, इज्जा। आज से आप एक यज्ञ में नियुक्त दीक्षित किए जा रहे हैं। अब पूछिए बेटियों और बेटों, कौन सा यज्ञ, हम कौन सा यज्ञ करें? मैं आज निवेदन करने आया हूं, आज से मैं पद्म विभूषण, आज से मैं आपको राष्ट्र यज्ञ में नियुक्त दीक्षित कर रहा हूं। राष्ट्र में भ्रष्टाचार नक से शिक्षक व्याप्त हो चुका है, जहां देखो वहां भ्रष्टाचार है। मोदी के आने पर और योगी जी के आने पर कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि यार मुख्यमंत्री यहां यहां मंत्री बनकर क्या लाभ हुआ, क्योंकि किसी की जेब भरने की अनुमति नहीं दी जा रही, क्या करें। प्रतिज्ञा करो कि हम एक भी गलत पैसा कहीं से भी नहीं लेंगे, और मेरी स्पष्ट अवधारणा है, यदि हमारा कर्तव्य पावन रहा तो निर्विवाद रूप से दिव्यांग कभी बेरोजगार रह ही नहीं सकता। भिन्न भिन्न लोगों ने मुझसे भी बात किए, किसमें सकलांगों को दर्द करना है, मैंने कहा नहीं ऐसा मैं नहीं करूंगा। पहले मैं विकलांगों को पढ़ाकर, दिव्यांगों को पढ़ाकर इनको इतना समर्थ बना दूंगा कि सकलांगों के साथ स्पर्धा करेंगे, और मेरा प्रयोग अब भारतीय सरकार भी मानने लगी। ठीक जगतगुरु जी ने सोचा था, पहले मैंने सोचा था किसी पूंजीपति ने नहीं सोचा, किसी संत ने नहीं सोचा, सब अपने अपने वैभव के सर्जन में मग्न रहे। किसी ने 10 फॉर्च्यून सीक्रेट की, किसी ने 25, किसी ने 50। मैं देख रहा हूं किसी ने 400 आश्रम बनाए, भरे वो जोधपुर की जेल में भी नमोराधवाय करके। मैंने अपने लिए कुछ नहीं लिया, कुछ नहीं। जो श्री राम कथा और दूसरे कृष्ण कथा 7 दिव्यांगों को समर्पित, से मैं आज आपको टाइम को हो रहा पर थोड़ा मेरी बात सुननी पड़ी, थोड़ा मुझे जरूर समझना पड़ेगा। आज आपको राष्ट्र के यज्ञ में मैं नियुक्त कर रहा हूं, आज आपको मैं नियम दे रहा हूं कि संपूर्ण देवी देवता भारत मां में समाहित हैं। फिर मेरे सामने भगवान राम और भारत मां दोनों खड़े हो तो मैं पहले भारत मां को प्रणाम करूंगा, भगवान को फिर बाद में। आज से आप एक नियम लीजिए कि प्रतिदिन अपनी दिनचर्या में राष्ट्र के लिए आप क्या कर रहे हैं। आज से आप एक व्रत लीजिए कि आपका स्वाहा राष्ट्र के लिए होना चाहिए। अब हम राष्ट्र के लिए जुड़ रहे हैं, परिवार के लिए नहीं, समाज के लिए नहीं, किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं।
आज आपको मैं आदेश दे रहा हूं, कुछ इस आदेश का पालन कीजिए। चार को देवता मानते हुए अब राष्ट्र देवो भव, राष्ट्र को देवता मान लीजिए। मैं यदि कहूं राष्ट्र देवो देवता भव, राष्ट्र देवो भव, आप जोर से कह दीजिए भविष्याम। मैं बोल रहा हूं राष्ट्र देवो भव भविष्याम। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपके लिए मैं मंगल कामना कर रहा हूं, विशेषकर दिव्यांगों के लिए, और आपको विश्वास दिला रहा हूं कि आपके हित के लिए यदि मुझे नरक जाना पड़ेगा तो मैं त्रिदंड देकर नरक चला जाऊंगा, चिंता मत। आपकी आंसू, आपकी आंसू ही मेरा आंसू होगा, आपका दुख मेरा दुख होगा, आपकी मुस्कान मेरी मुस्कान होगी, आपका सुख मेरा सुख होगा। आप चिंता मत करिए, विकलांगों को दिव्यांगों का सर्वतोभावी विकास करना मेरा अपना कर्तव्य है। अगली वर्ष से मैं जगतगुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय में दिव्यांगों के लिए ही मेडिकल कॉलेज खोलूंगा। मुझे दिव्यांगों को प्रोफेसर बनाना है, दिव्यांगों को इंजीनियर बनाना है, दिव्यांगों को डॉक्टर बनाना है। मेरे कुल गीत का अंश है अब निजी अधिकार से विकलांग वंचित क्यों रहेगा। बहुत हो चुका विकलांगों का शोषण, मैं सहन नहीं करूंगा। दिव्यांगों को मुझे ऐसी ऊर्जा चाहनी है से प्रत्येक दिव्यांग भारत माता के लिए कुछ कर सके। उस दिन मेरा सपना साकार होगा जब हमारे विश्वविद्यालय से बड़ा कोई न कोई दिव्यांग प्रधानमंत्री और कोई न कोई दिव्यांग राष्ट्रपति बनेगा। मेरे वाक्य को अतिरंजना मत मानिए, अतिवाद मत मानिए। मैं स्वयं चांसलर होकर भी विश्वविद्यालय का आप जानते हैं एमए की क्लासेज में मैं स्वयं लेता हूं। मेरे अंदर 14 रिसर्च हो चुके, 14 हो रहे हैं। निरंतर काम करने में विश्वास करता हूं, आप भी निरंतर काम करने में विश्वास कीजिए। एक वाक्य कहकर विराम लूंगा। भगवान को गुलाब के पुष्प से पूजा पूजित मत कीजिए। भगवान को पूजा के गुलाब का पुष्प नहीं चाहिए, भगवान को पूजा के लखनऊ की रेवड़ी नहीं चाहिए। भगवान की पूजा कीजिए अपने कर्मों से। गीता अध्याय 18:46 श्लोक में भगवान कहते हैं स्वकर्मणा तमद्भ्यर्थ सिद्धि विन्दति मानव। भगवान की अपने कर्म से पूजा करो। जो अपने कर्म से बेईमानी करके मंदिर में घंटी बजाने जाता अपने पापों का, अपने पापों को छिपाने के लिए, वो पुजारी नहीं होता, वो पूजा का अरी होता है। जब काम करते करते हमको पूजा का समय ना मिले, जानिए उसी समय हमारी पूजा पूर्ण हो गई। अंत एक ही वाक्य कहकर मैं ग्रामीणों का पूर्ण कर बहुत मानता, पर मेरे पास समय नहीं है, वो आपके पास भी नहीं है। एक ही वाक्य कहकर मैं ग्रामीणों का, मैं आपका हूं, आप मेरे हैं। अब जब जब भी मुझे बुलाएंगे मैं निश्चित उपस्थित होऊंगा, चाहे भी शांति भाषण हो, चाहे किसी विषय पर व्याख्यान हो, जो भी आप मेरी प्रतिभा का उपयोग कर सकें, मैं आपके लिए प्रतिज्ञा पूर्वक समर्पण की बात करने जा रहा हूं। बेटियों और बेटों, स्वयं को कर सके इतना नोट करो,
स्वयं को कर सका कितना, तिब्बत सौभाग्य के पहले प्रभु साधक से ही पूछें, बता तेरी समी क्या। जय दिव्यांग, जय भारत, जय श्री राम।